ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है, और ये जो ब्रांड है इसका हमने आज एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लिया है जिसका नाम है नोवेदना जेल एंड नोवेदना कैप्सूल। इस टाइम पे नोवेदना जेल और नोवेदना कैप्सूल हम सबके घर में आता फर्स्ट एड किट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के टाइम पे ही नहीं हमेशा ही होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम जितना हॉस्पिटल्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पेन हमें हर वक्त कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो हमारे घर में अगर रहेगा तो हम हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, तो हम जो लेटेस्ट सिचुएशन चल रहा है उसको खुद को बचा भी सकते हैं। अब बात करते हैं पेन के ऊपर, आज हम नोवेदना को डिटेल में जाकर बात करेंगे। इसका नाम नोवेदना क्यों है, वेदना का मतलब हिंदी में होता है दर्द होना, तो दर्द को दूर करता है, दो दर्द नहीं रहने देता है, इसका नाम नोवेदना रखा गया। बात करें पेन एक्चुअल में होता क्या है, पेन को कहते हैं जस्ट अ सेंसेशन। आपको पैर में कोई चोट लगी, उधर से एक सिग्नल आपके दिमाग तक पहुंचता है, बॉडी सिग्नल को रिसीव करता है, पकड़ता है, तो आपको महसूस होता है कि मुझे दर्द हुआ है। पेन कुड बी एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकता है, आपके मसल्स में, मांसपेशियों में हो सकता है, आपकी जॉइंट्स जोड़ों में हो सकता है, कंधे में, कमर में, कहीं पे भी आपको पेन हो सकता है। इसके कारण बहुत सारे देखे जाते हैं, बोला जाता है आपको अगर कभी कोई चोट लग जाए, आप चल रहे टेबल से चोट लग गया, या जब हम थोड़े बुजुर्ग होने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी सडन आपने देखा होगा सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या कभी कोई चोट लग जाती है तो वहां पे सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जरूरी नहीं कि ऊपर से चोट लगी तो ही होता है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टाइम पे बॉडी में कभी कभी बॉडी में अंदर अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो वहां पे भी स्वेलिंग सूजन हो जाता है, रूमेटिज्म का दर्द हो जाता है, आपके बहुत सारे जॉइंट्स में पेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, उसमें दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लगती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो दर्द का एक कारण नहीं है, दर्द के बहुत कारण देखे जाते हैं। लेकिन हम बात करें नॉर्मली हमें पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से जाते हैं और बहुत सारे पेन किलर्स लेकर आते हैं, बहुत सारे पेन किलर्स आज मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है पेन किलर्स की, ये जो पेन किलर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम सेल्फ मेडिकेटेड, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पेन किलर्स के नाम पता है, वो जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे और वो खुद से खुद को ही प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उसको स्टॉप कब करना है, और जब भी कोई पेन होता है वो ऐसी मेडिसिन खाने लगते हैं जो हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे बहुत सारे पेन किलर्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारी कंट्रीज लेते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये जब आप लेते हैं लंबे समय तक तो आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैंने इसे बहुत सारे लोगों को देखा है, हल्का भी बॉडी में अगर सिर दर्द भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे पेन किलर्स वो डेली यूज में अपने घर पे भी रखते हैं और डेली यूज में खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी भी प्रॉब्लम देखी जाती है। आगे बात करेंगे इसमें और क्या प्रॉब्लम देखा जाता है, जो मार्केट के पेन किलर्स है वो नॉर्मली अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, जैसे इस फोटो से आप समझिएगा आपके पैर में कोई चीज घुस जाती है, जैसे वो जगह पे वहां पे कुछ घुसा वो जो एरिया है वहां की जो स्किन है वो डैमेज हो गई, जैसे आपको कभी कोई चोट लग जाता तो आपने देखा होगा वहां पे गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, या वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, लाल हो जाता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे, मार्केट की दवाइयां इन्फ्लेमेशन पे ही काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द है तो ही काम करती हैं। अगर आपका दर्द इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से नहीं है तो कुछ रिजल्ट्स नहीं देखे जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं वो तभी इफेक्टिव हो पाती हैं जब हम उसका करेक्ट डोज खाते हैं। अगर आप बहुत कम डोज ले रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं होगा, और अगर ज्यादा पेन है, कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा ओवरडोज लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर इफेक्टिव डोज के लिए आपको सही डोज करेक्ट लेना भी जरूरी हो जाता है। और बहुत सारे लोग जब उनको बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है तो ऐसे जो पेन किलर्स खाते हैं उसका कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं देखा जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि अगर आप मार्केट का कोई ऐसा पेन किलर अंदर खा रहे लंबे समय यूज करने से, उसकी वजह से आपको अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में अल्सर हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे लोगों का जो मुंह होता है वो बहुत ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है। ये हमने खाने की बात की, लेकिन मार्केट में ऐसी भी बहुत सारी क्रीम है जिसको आप अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं, कहीं पे दर्द है तो आपने वहां पे लगा लिया, मार्केट की ऐसी बहुत सारी क्रीम जो अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं लगाते हैं तो वो क्या करता है आपकी स्किन को डैमेज कर देता है, उनके जो क्रीम होता है उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं और आपके वाइटल ऑर्गन जरूरी अंगों को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। तो मार्केट के जो पेन किलर्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं,
और अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो और भी उसको सीरियस इश्यूज देखा जाता है जब वो लंबे समय तक ऐसे पेन किलर्स के मेडिसिन जो है वो ज्यादा खाता है। और इसका बहुत बड़ा असर होता है आपके हैबिट फॉर्मिंग में, मतलब जब तक आप, कुछ लोग होते हैं उनको हल्का सा भी दर्द होता है, उनको इतनी आदत हो जाती है ऐसी दवाइयों की, अगर वो दवाइयां नहीं खाते हैं तो उनको मतलब अच्छा फील नहीं होता है, आदत बन जाती है, ऐसी दवाइयों पे वो निर्भर हो जाते हैं। लेकिन बात करें एलिमेंट्स वेलनेस का, हर एक चीज को लेकर अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स वेलनेस की अगर हम बात करेंगे कि पेन को लेकर एलिमेंट्स वेलनेस क्या सोचता है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स वेलनेस का मेन काम है हर एक प्रॉब्लम के ऊपर कि रूट कॉज पे जाकर काम करें। मार्केट में जो भी दवाइयां होती है ना वो आपके बस सिम्टम्स पे काम करती है, सिम्टम्स को दबाने पे एक मदद करती है। पेन किलर है, कभी भी कोई भी पेन किलर आपके दर्द को खत्म नहीं करता है। जो सिग्नल दिमाग से आपके बॉडी पे जा रहा है, दिमाग तक जा रहा है, उस सिग्नल को बस तोड़ने का काम करता है, मतलब सिम्टम को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, वो कभी भी रूट कॉज जड़ पे जाकर काम नहीं करता है। एलिमेंट्स वेलनेस कहता है आपको कोई चोट लगा, वहां पे बहुत ज्यादा हीट हो गया, गर्म हो गया, वो एरिया लाल हो गया और वहां पे स्वेलिंग हो गई, तो अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है तो उस पे भी काम करता है, इन्फेक्शन हुआ है उस पे भी काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो एलिमेंट्स वेलनेस बहुत ज्यादा ध्यान देता है वो क्या है, आयुर्वेद में भी ऐसा बोला गया है कि आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट करने लगते हैं, तो वो भी दर्द का कारण बनते हैं। तो एलिमेंट्स वेलनेस का क्या मानना है कि अगर हम उस टॉक्सिन्स को भी, उस जो खराब चीजें हैं उसको अगर हम बाहर निकालते रहेंगे तो भी दर्द में आपको अच्छा आराम मिलता है। तो एलिमेंट्स वेलनेस का जो अप्रोच है वो मार्केट की मेडिसिन से बहुत डिफरेंट है और ये नेचुरल तरीके से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिमेंट्स वेलनेस का अप्रोच है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले, आपको तुरंत आराम मिले और लंबे समय तक उसका असर रहना चाहिए आपके ऊपर। इसीलिए इसी अप्रोच को लेते हुए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका नाम है नो वेदना जेल एंड नो वेदना कैप्सूल। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, इट्स अ कॉम्बो, ये कॉम्बिनेशन है, जेल और कैप्सूल का कॉम्बिनेशन है। जब भी किसी को देना है जेल को कैप्सूल्स के साथ कॉम्बिनेशन में मिलाकर ही देना है। मिलाकर देने के कुछ रीजन है, हम क्यों अपनी ट्रेनिंग में बार बार ये चीज बोलते हैं, आज ये डिटेल में हम बात करेंगे, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं। सबसे पहले हम बात करें ये दोनों को साथ में लेने की जरूरत क्या है। आपको मान लीजिए घुटने में कोई चोट लग गया, घुटने में आपके दर्द होना स्टार्ट हुआ, आपने उस टाइम पे क्या किया, एक कैप्सूल खा लिया। कैप्सूल कैसे काम करता है हम आगे बात करेंगे, तो लेकिन वो कैप्सूल जैसे बॉडी के अंदर जाता है, इंटरनल अंदर से जाकर दर्द का जो कारण है उसको खत्म करता है। साथ में अगर आपने घुटने पे नो वेदना जेल भी लगा लिया और उसको आपने रगड़ा, रब किया, तो उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज को रब करते हैं तो वहां का जो ब्लड फ्लो होता है, खून का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो टॉक्सिन जमा है वो निकल जाते हैं, वहां का ल्यूब्रिकेशन जो चिकनाई है, वहां का ल्यूब्रिकेशन जो है आपके जोड़ों का उसको अच्छा करता है। और अगर कोई लोकल वहां पे सूजन हुआ है, कभी आप टकरा गए किसी टेबल से तो आपने देखा स्वेलिंग हो जाती है, तो अगर कोई लोकल सूजन है उसको भी इमीडिएटली अपना नो वेदना जेल जो है वो कम करता है। मतलब अंदर बाहर दोनों तरीके से ये प्रोडक्ट आपका काम करेगा अगर आप कॉम्बिनेशन में इसको आप यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ये हर घर में एज अ फर्स्ट एड किट होना चाहिए क्योंकि वो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी पे काम करता है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा है क्या, ये सूटेबल है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए। नो वेदना कैप्सूल, नो वेदना जेल को हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले नो वेदना जो हमारा कैप्सूल्स है उसमें 6 ऐसे पावरफुल हर्ब्स डाले गए, जैसे इसमें शलाकी, हल्दी, सुंठी जिसको हम ड्राइड जिंजर कहते हैं, रसना, सहजन जिसको सहजन या मोरिंगा भी कहते हैं, और पुनर्नवा, ऐसे 6 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले। हम आज सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो नहीं देखेंगे बट जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हमने डेली टॉक्स में बात किया था, हमने ब्लड प्यूरिफायर में बात किया था, यूरिन फ्लश में बात किया था। पुनर्नवा एक सुपर स्टार हर्ब है। पुनर्नवा नाम ही बताता है किसी चीज को नया करने की जो ताकत रखता है, एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी, इसको आप मतलब रिवाइवर कह सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करता है, रिन्यू करता है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो हजारों सालों से बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में यूज किया जा रहा है। इसके कुछ बेनिफिट्स है, ये पेन रिलीवर का काम करता है, दर्द को खत्म करता है,
सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है, और इसको अगर अच्छे समय से यूज किया जाए तो फ्यूचर में जो अर्थराइटिस के जो सीवियर केसेस देखे जाते हैं हम उसको भी बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें भी उसके अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम करता है, इट एक्ट्स एज अ माइल्ड डायूरेटिक। डायूरेटिक जब भी आप वर्ड यूज करेंगे, अगर आपको याद होगा यूरिन फ्लश में भी हमने डायूरेटिक यूज किया था, ये क्या करता है आपके यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देता है। और जब आप एक सिंपल सी चीज, जब पुनर्नवा आएगा तो सिंपल हमेशा याद रखिए, किडनी के फंक्शन को अच्छा करता है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है, एलिमेंट्स वेलनेस मानता है कि जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स मतलब एक्सक्रीट नहीं हो पाते, बाहर नहीं निकल पाते, जमा होने लगते हैं, तो ये भी दर्द का और सूजन का कारण, स्वेलिंग का कारण बन सकते हैं। तो पुनर्नवा क्या करता है, यूरिन को बढ़ा देता है, किडनी के फंक्शन को अच्छा करता है, और जो टॉक्सिक चीजें टॉक्सिन्स है जो दर्द क्रिएट करेगा उसको बॉडी से बाहर निकालता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज पे पुनर्नवा और भी काम करता है, वो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया एलिमेंट्स वेलनेस हमेशा कहता है कि जड़ पे जाकर काम करो, जरूरी नहीं है कि आपका अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से ही दर्द हो, उसका एक और कारण भी हो सकता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपका बॉडी से अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो भी टॉक्सिन्स जमने का कारण देखा जाता है। तो ये पुनर्नवा जो है वो आपके बाउल सिंड्रोम को भी अच्छा रखता है, पेट वगैरह साफ रखने में भी मदद करता है। मैंने बोला हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीपल वेज में काम करते हैं और वो आपका नेचुरली 100% जाकर दर्द पे आराम देते हैं, तो ये हमारा सुपरस्टार हर्ब है। दूसरी चीज जो है हमारी, उसको हम कहते हैं टर्मरिक। हिंदी में हम सबके घर में यूज होता है हल्दी। हल्दी को बोला जाता है पेन रिलीफ टूल, मतलब दर्द का एक बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। हल्दी में ऐसा होता क्या है, हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, ये बहुत फेमस है, कर्क्यूमिन हम उसको कहते हैं, जो एक एंटी इंफ्लामेटरी मतलब इंफ्लामेशन जो सूजन है उसको कम करने में मदद करता है। और आपको पता है बहुत सारी ऐसी स्टडीज शो की गई हैं जिसमें बताया गया है कि दर्द जो है, अगर जब आप इसको लेते हैं, जैसे आप हल्दी को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेते हैं, तो ओवर जो काउंटर जो बहुत सारे पेन किलर्स मिलते हैं उसके इक्वल ही आपके दर्द को कम करने की क्षमता ये हल्दी रखता है, उतनी पावर रखता है। और एक जर्नल ऑफ मेडिकल फूड के एक रिसर्च में ये पब्लिश हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट लिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को लिया जिनको बॉडी में पेन वगैरह है, और उनको 8 से 12 हफ्ते एक टर्मरिक एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक स्टैंडर्डाइज का आपको मात्रा में टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट दिया गया, तो क्या देखा गया, उनके आर्थराइटिस के जो रेशियो था, आर्थराइटिस का जो दर्द था उसमें भी रिलीफ देखा गया, उसके कंपैरिजन में जो उनको और भी एलोपैथी की दवा दी गई थी उससे अच्छे रिजल्ट देखे गए। और हल्दी हम सबको पता है हजारों सालों से हल्दी दर्द पे काम कर रहा है, तो हमने इसमें हल्दी को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में डाला है जो दर्द पे काम करने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें और भी डाली है जिसको हम सहजन भी कहते हैं और इसको मोरिंगा भी कहते हैं, आप फोटो से आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में इसको ड्रमस्टिक्स भी कहते हैं। ये जो होता है इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट देखे जाते हैं, लेकिन आज हम दर्द के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने विमेन कंपेनियन में बोला था कि विमेन कंपेनियन अगर बॉडी में किसी को बहुत ज्यादा दर्द है तो आप नो वेदना कैप्सूल के साथ विमेन कंपेनियन दे सकते हैं। क्यों, इसमें जो सहजन होता है वो आपके मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स में जो पेन होता है उसके दर्द में भी आराम देता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है, गठिया जो गाउट होता है उसके दर्द में भी आराम देता है, मांसपेशियों के दर्द में अगर आपको कोई ऐठन हो जाए या स्पैज्म हो जाए या होता है कभी कभी नसें चढ़ जाती हैं वैसा अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसमें भी आपको हेल्प देता है, स्वेलिंग को भी कम करने में मदद करता है। तो इसमें एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे, लेकिन हमने क्या किया है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे इसमें जो 6 हमारी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, अगर हम एक कॉम्बो बनाकर बात करें, तलाकी, हल्दी, सुंठी और रसना, ये जो 4 जड़ी बूटियां हैं ये सूजन को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है और पेन को कम करती है। इसमें जो आप रसना और शलाकी देख रहे हैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जेल में बताऊंगी, तो याद रखिएगा शलाकी और रसना के ऊपर हम जेल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि क्यों हम हमेशा जेल और कैप्सूल को मिलाकर बोलते हैं यूज करने के लिए। दूसरी चीज,
सुंठी और रसना को जब एक साथ मिलाया जाता है तो अर्थराइटिस के दर्द में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। हल्दी, सहजन, रसना और पुनर्नवा का ये जो कॉम्बो है वो रसायना के भी बेनिफिट्स हमें देता है। अगर याद होगा रसायना हमने बात किया था कवचप्राश में, कवचप्राश जो है वो भी आपकी इम्यूनिटी को जैसे बढ़ाता है, तो ये जो चार चीजों को जब हम एक साथ मिलाते हैं आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, कोई इन्फेक्शन हुआ है उससे भी लड़ने में मदद। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं और आप लंबे समय तक नोवेदना कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखना है, इसको कभी भी एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं लेना है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नोवेदना जल में। नोवेदना जल में लगभग 6 तरीके के चीजें हमने ऑयल डाला है। जैसे इसमें आप याद रखिएगा रसना का एक्सट्रैक्ट डाला गया, सलाई गुब्बुल तेल डाला गया, देवदारू तेल, इसको सेडारोड तेल भी बोलते हैं, एरंड तेल डाला गया है जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, काया कुट्टी तेल मतलब टी ट्री ऑयल, आपने सुना होगा पिंपल्स वगैरह पे टी ट्री ऑयल बहुत फेमस है, और मिर्चा, ये ऐसे 6 पावरफुल इसमें ऑयल का कॉम्बिनेशन डाला गया। अब हम इसके एक एक बस हम 2-3 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर इस पे हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसका नाम है सलाई गुगुल तेल। ये जो है ये स्वेलिंग पे बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है, स्वेलिंग को कम करता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, स्वेलिंग को कम करता है। इसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है ना, अंदर जाने की क्षमता, जब आप स्किन पे नोवेदना जेल लगाते हैं तो बहुत तेजी से अंदर जाता है और आपको बहुत जल्दी आराम देने में मदद करता है। अर्थराइटिक का किसी को पेन है, अर्थराइटिस का पेन हो गया है, या मसल्स में पेन है, बैक में पेन है, कमर में दर्द है, आयुर्वेदा में हजारों सालों से सलाई गुगुल तेल को यूज किया जा रहा है दर्द के ऊपर। इसमें जो गम रेजिंस, इसके जो गम रेजिंस होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम एंटी इंफ्लामेटरी कहते हैं, सूजन को कम करने में मदद करता है, आपके जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा राहत देता है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये आपका एक जोड़ है, यहाँ पे एक हड्डी है, बीच में यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे खून जा रहा है, खून आपके उसमें जोड़ों के आसपास से जा रहा है। अब हम हमेशा क्यों बोलते हैं नोवेदना जेल को नोवेदना कैप्सूल्स के साथ यूज करना है, क्यों? नोवेदना जेल को जब आप लगाते हैं और साथ में नोवेदना कैप्सूल खाते हैं, नोवेदना कैप्सूल में शल्लाकी नाम का एक ऐसा हमने हर्ब डाला है जो क्या करता है, आपके ये जो जोड़ के पास जो ब्लड सप्लाई है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। कभी कभी होता है ना हमारे नसों में ऐठन हो जाती है, चढ़ जाती है, तो उस खून के फ्लो को अच्छा रखने में मदद करता है और आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, आपके जोड़ों को बचाता है, आगे चल के जो नी पेन है उसको कम करने में मदद करता है। इसीलिए जब भी नोवेदना जेल ले नोवेदना कैप्सूल्स के साथ यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज अगर बात करें रसना एक्सट्रैक्ट, अब यहां पे भी हम क्यों बोलते हैं नोवेदना जेल को कैप्सूल्स के साथ यूज करने में, हमारे नोवेदना जेल में भी रसना का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, प्लस नोवेदना कैप्सूल में भी हमने रसना का एक्सट्रैक्ट डाला है। अब रसना क्यों बेनिफिट माना जाता है, ये आपके स्वेलिंग को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, और बहुत सालों से आयुर्वेदा में आर्थराइटिक कंडीशन में इसको यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है, बोला जाता है कि जो रसना है उसमें वात को बैलेंस करने की क्षमता होती है, इट हैज वाटर बैलेंसिंग प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है, और आयुर्वेद में बोला जाता है आपके जो हड्डियां होती हैं, आपके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो वात की जगह होता है, तो अगर आपके बॉडी में बैलेंस जो वात है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको जॉइंट पेन और ये हड्डियों में दर्द वगैरह देखा जाता है। तो रसना अगर आप लगाएंगे और रसना अगर आप खाएंगे तो अंदर बाहर दोनों तरीके से वात में आपको बैलेंस करने में वो मदद भी करता है, इसीलिए कहते हैं दोनों को साथ में हमेशा लेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम जो एरंड तेल है जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, इसका क्या रोल है, ये बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन पे चिपका रहता है। अगर आपने जेल लगाया तो जब लंबे समय तक ये चिपका रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा, इसीलिए उसको जॉइंट पेन का स्पेशलिस्ट बोला जाता है, पेन किलर जैसा काम करता है, आर्थराइटिस में भी इसके रिजल्ट देता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको 2-4 स्लाइड पहले बताया था, मार्केट का जब हम ऐसा कोई जेल यूज करते हैं अपने स्किन पे लगाने के लिए जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपके इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि आपके स्किन को ड्राई कर देते हैं, स्किन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ये क्या करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको रूखा होने से, ड्राई होने से बचाता है, आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है, अगर जॉइंट्स ल्यूब्रिकेट होंगे तो घुटनों के दर्द है उसको हम कम कर सकते हैं, वात को रिड्यूस करता है,
वैसे भी आयुर्वेद में बोला जाता है 60 साल के बाद लोगों में वात जो होता है ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों में वात को बैलेंस करने में भी मदद करता है। सीने में दर्द है, थाइज में दर्द है, बैक में दर्द है, हर तरीके के दर्द में कैस्टर ऑयल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब हमने इसमें डाली तो बहुत सारी चीजें, हम सबके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब एक एक चीज को मैं एक एक पॉइंट पे आपको बात करूंगी। जो देवदारू तेल है जिसको हम सिडारवुड ऑयल भी बोलते हैं, आप जैसे ये फोटो में अगर आपने देखा होगा, ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ये आपकी स्किन पे बहुत लंबे समय तक चिपका रहता है, तो आपकी स्किन को सूद करता है और दर्द को कम करता है। जो मिर्चा है, इसका आपने त्रिकटू में नाम सुना होगा, इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिसको हम कैप्सिन कहते हैं। ये बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन में, एलोपैथी जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो एलोपैथी के जो लगाने वाली जो जेल वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, उसमें पाया जाता है, जो दर्द को कम करता है और इरिटेशन को कम करता है। कहीं पे दर्द चोट लग जाता है तो इरिटेशन होती है, जलन होता है, उसको कम करने में मदद करता है। ये जो काया कुट्टी तेल है, ये बेसिकली आपका टी ट्री ऑयल जो बोला जाता है, ये एक अच्छी खुशबू देता है आपके प्रोडक्ट को और आपको इरिटेशन से भी बचाता है। जो गंधपुरा तेल है, ये स्वेलिंग को कम करता है। पुदीना के सत्व भी डाले गए हैं जो आपकी स्किन के अंदर जाता है और आपके जो खून का फ्लो है उसको अच्छा करता है। लिंसेड ऑयल भी डाला गया है जो स्वेलिंग को कम करता है। ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमारे एक एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए कितनी सारी चीजें देखी जाती है। और माय फ्रेंड, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है मार्केट में, आपको किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारे एक एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा जाता है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो नोवेदना जेल लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, स्वेलिंग को, सूजन को कम कर देता है। अगर रेगुलर उसको, जो लोगों को जॉइंट में पेन है, अगर जॉइंट पेन में इसको लगाएंगे तो आपके जोड़ों को अच्छा रखने में मदद करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगी, अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो इसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेल फॉर्मेशन में है, ये कोई आपको क्रीम नहीं है, ये जेल है। जेल की पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। और जब भी ले नोवेदना को कैप्सूल्स के साथ से। कैसे यूज करना है, सबसे पहले जिनको बहुत ज्यादा हमेशा दर्द लगा रहता है वो रेगुलर लगाए, या कभी कुछ जरूरत पड़ गई, इफ नीडेड, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो आप दर्द है तो आप लगा सकते हैं। तो जिनको रोज लगाना है, कहीं पे हमेशा दर्द है तो आप हमेशा भी लगा सकते हैं, या कभी जरूरत पड़ी तो भी लगा सकते हैं। अब क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंधे में, कमर में दर्द है तो उसको अच्छे से, हाथ में अच्छे से क्रीम लीजिए और उसको पूरे ब्रुश पे लगा के, और आप मसाज कर सकते हैं थोड़ी देर, 4-5 2-3 मिनट आप उसको रगड़ सकते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। अगर कभी आपको सिर में दर्द है, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, कभी ऐसा होता है कि हेडेक है तो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जलते हैं, इसमें कोई आपको जलन नहीं होगा। और उसको कहाँ लगाना है, आपके फोरहेड पे लगाना है, और ये जो टेम्पल होता है, टेम्पल मतलब आपके जो चीक्स के ऊपर, ये वाली जो जगह है जहां पे मैंने ये फोटो में भी दिखाया है, वहां पे आपको लगाना है। 1-2 मिनट तक उसको थोड़ा रब करिए और उसको छोड़ दीजिए। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा जोड़ों का दर्द है, बैक में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो रहा है, नेक में कभी मचक पड़ जाती है, या शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे अगर दर्द है तो आप लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा गर्म पानी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद माइल्ड जो फॉर्मेंटेशन टेक्निक होती है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, कभी कभी ये चीज हमने घर में भी की है, आपके घर में कुछ बैग्स होते हैं जिसमें हम गर्म पानी डालकर सेकते हैं उसको, तो आपको क्या करना है, या तो उसमें आप डालकर उस एरिया पे लगा लीजिए, वो एरिया को गर्म कर दीजिए थोड़ा सा, या किसी गर्म पानी में कपड़ा डालिए, कपड़े को अच्छे से स्क्वीज करिए और उस एरिया पे लगा लीजिए। वो एरिया जब आपका थोड़ा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, उसके बाद आप नोवेदना जेल लीजिए और उस पर थोड़ी देर आप रगड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेगा अगर सडन कभी कोई दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को आर्थराइटिस है या जॉइंट का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा, सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं जब, तो घुटने होते हैं जल्दी से मूव नहीं करते हैं, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे लोग रात में ये चीज कर ले, और सुबह रात में जब आप नोवेदना जेल लगाकर ये गर्म पानी से थोड़ा सा वो करके, और जब सुबह आप उठेंगे आपके जो जॉइंट्स होंगे वो थोड़े रिलीफ मिलेंगे, आपको दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा जोड़ों का दर्द है। बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को, हमारे पेरेंट्स में देखा जाता है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और लगाना कैसे, एक पी साइज आपको साइज लेना है जेल का, और जहां पे दर्द है वहां पे आप सिंपली उसको लगा लीजिए। क्या प्रिकॉशन लेना है नोवेदना जेल लगाने में,
इट्स ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, ऊपरी त्वचा पे ही लगाना है, कोई कट गया है, जल गया है, कहीं पे कोई जख्म हो गया है, घाव हो गया है, उस केस में नो वेदना जेल नहीं लगाना है। उसके ऊपर हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है वुंड हीलिंग क्रीम, वुंड हीलिंग क्रीम आप उस पर लगा सकते हैं। कभी भी इसको नाक में, कान में या जो भी हमारे सेंसिटिव पार्ट्स है, आपकी आंखें हैं, उस पर टच नहीं करना है। जैसे आपने वुंड हीलिंग, आपने नो वेदना जेल लगाया, नो वेदना जेल लगाने के बाद तुरंत हाथ साबुन और पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ऐसी इश्यूज अभी आएगी नहीं। नो वेदना कैप्सूल्स में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। माइग्रेन का दर्द है या बहुत ज्यादा क्लस्टर हेडेक, आंख के इस पार्ट में दर्द हो रहा है फिर वो शिफ्ट हो जा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम में हमें नो वेदना कैप्सूल नहीं देना है। हाइपर एसिडिटी है या बहुत ज्यादा पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर हो गया है, उस केस में नो वेदना कैप्सूल नहीं देना। पाइल्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, तो दर्द में, पाइल्स के दर्द में हमें नहीं देना है। खाली पेट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है उधर हमें नहीं देना है। और प्लीज प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में दर्द है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रेगनेंसी के दर्द में लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कोई भी एलोपैथी की कोई दवा खा रहा है, कुछ पेन किलर खा रहा है, तो उसके साथ आपको नहीं लेना है। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, ये छोटे छोटे प्रिकॉशन लेकर हम अच्छा आपको रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये प्रोडक्ट जरूरी क्यों है? आपको पता है, आज अगर पेन रिलीफ प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको दर्द से आराम देते हैं, उसका आज इंडिया में मार्केट 2500 करोड़ का देखा जा रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे प्रोडक्ट को लंबे टाइम यूज करके साइड इफेक्ट ही होने वाले, उतने इफेक्टिव भी नहीं होते, तब भी उनका 2500 करोड़ का मार्केट है। हर साल 20% पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ दर्द महसूस होता है, कुछ ना कुछ दर्द उनको हर साल देखा जा रहा है। और लगभग 18 करोड़ ऐसे इंडियंस हैं जिनको हड्डियों में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, सूजन का प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। अब समझ रहे, 18 करोड़ हमारे इंडिया में इतने लोग हैं, अमेरिका की टोटल आबादी 32 से 35 CR है, इंडिया में 18 करोड़ दर्द के पेशेंट है, कितना बड़ा मार्केट हम इसमें ले सकते हैं। और स्पेशली लेडीज में पेन ज्यादा देखा जाता है जेंट्स के कंपैरिजन में, तो लेडीज में भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैंने वैसे भी बताया है, मेंस्ट्रुअल पेन भी अगर है तो मार्केट का पेन किलर खाने से अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो है वो पेन किलर्स देती हैं पीरियड्स के टाइम पे, तो आप इसको नेचुरल तरीके से आप इसको ले सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से आप इस प्रोडक्ट पे काम करता है। नो वेदना जेल, नो वेदना कैप्सूल, नो पेन ओनली गेन, ये हमारा स्लोगन है, क्योंकि ये आपको बस गेन देता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही डाले गए। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला, हमने गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया है। मार्केट में जो भी कैप्सूल्स होते हैं वो नॉन वेज के बने होते हैं, वेज कैप्सूल जो होता है वो 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं नॉन वेज कैप्सूल से। नॉन वेज कैप्सूल कंपनी ने क्यों नहीं लिया? नॉन वेज कैप्सूल्स में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर मतलब नमी ज्यादा होती है, तो खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसके साइज जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हर एक मामले में वेज कैप्सूल्स नॉन वेज कैप्सूल से बेहतर, अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज बात करें, एपीआई के रेफरेंस में है। एपीआई जो नारायणा सर है वो एपीआई की कमिटी मेंबर रह चुके हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया के रेफरेंस में ही बनाए गए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आयुष का प्रीमियम मार्क सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। दो तरीके के मार्क होते हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। स्टैंडर्ड बहुत सारी कंपनीज को मिल चुका है, मिलना थोड़ा इजी होता है। स्टैंडर्ड मतलब ये जो प्रोडक्ट है प्रीमियम मिला है, प्रीमियम का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है, जब भी कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए हमेशा ध्यान दीजिए आयुष का मार्क हो, क्योंकि आयुष का मार्क और स्पेशली अगर प्रीमियम मार्क मिला हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट।